आपके बड़े इजी हैं, गाइड कर दें आपको, आपने कहा है आपका इकोनॉमिक्स बड़ा अच्छा स्कूल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, इन दोनों को मिलके आपका एसएसटी बनता है, कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो, 3 साल पढ़े हुए हैं तो एसएसटी आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, मेजर सब्जेक्ट हर हालत में एसएसटी लीजिए, हर कॉलेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट, आपने पंजाबी जनरल इंग्लिश पढ़ी हुई है, इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है, इसका मतलब है कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन यही एक ही बनता है, और भी बनते हैं लेकिन यही चूज़ करना चाहिए, एसएसटी पंजाबी। आपको बाद में पंजाबी एमए करते हो तो एमए पंजाबी अगर करते हो तो एमए पंजाबी है ना, उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप पीजीटी के लिए पंजाबी के लिए एलिजिबल हो गए, अभी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए हो और टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, ये क्वेश्चन नहीं है, ये गुड इवनिंग है क्वेश्चन, ये इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, दिखाई देगा विजुअल, आपको पता है ये सेंस ज़्यादा यूज़ होती है हिंदी में, नहीं पंजाबी में बात करनी कर लेते हैं। बीए विच सोशियोलॉजी है, ठीक है, वुमेन स्टडी है, वुमेन स्टडी स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम है, स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल सब्जेक्ट लिख के हूँ मैं इतने कांटा मार देवगा, मतलब कि प्रॉब्लम वाली गल है, इलेक्टिव इंग्लिश है पर थोड़ा स्कोप है, हुन मैम तुसी ये नहीं मैंने दस्या कि थोड़ी यूनिवर्सिटी की है, थोड़ा स्कोप सब तो ज़्यादा स्कोप है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, क्योंकि सोशियोलॉजी दे बेस ते तुहानू एसएसटी मिल जाएगी, मेरे कॉलेज भी जिवें मिल जाएगी है ना। एसएसटी तो बाद तुहानू हिस्ट्री जरूर देना चाहिदा है, सोशियोलॉजी पंजाब गवर्नमेंट दे 7 सब्जेक्ट विच है लेकिन 2 तुहानू पढ़िया होनिया चाहीदियां हन सोशल साइंसेज, इसलिए हिस्ट्री तुसी बीए विच एडिशनल पेपर दोगे, उसकी डेट लगभग आ गई है, 16 तरीक दे करीब है, दूसरी यूनिवर्सिटियां दी हुणे डिस्कस कीती है, वीडियो देख लेना। सो वूमेन स्टडी का कोई स्कोप नहीं है, यदा एडिशनल तुहानू देना पएगा, ये तुहाडा यूनिवर्सिटी के मुताबिक है, जे पंजाब यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च रहिंदे हो तो देखना पएगा कि सोशियोलॉजी मेजर सब्जेक्ट है तां तुसीं गुरु नानक च रह सकते हो, अदरवाइज तुहानू दूर जाना ही पएगा, ठीक है, इहदे लई तुसीं संपर्क कर सकते हो, फोन जे नीचे दिता है। सो तुसीं जे एसएसटी लेने आ नाल इंग्लिश ही लेना है, दूसरा कोई ना लो, जे मेजर सोशियोलॉजी लेंदे मिलदी है ते नाल इंग्लिश ही लेना है, यही तुहाडा बनदा है, एडिशनल तुहानू ही देना ही पएगा। सर तुसी मेरे मैसेज दा नहीं कीता, मेरे ख्याल मैं सर्च करके देखिया सी, तुसी यही पूछा सी ना, इत्थे लिखा है दूसरे लैपटॉप ते कि सर मेरा कॉम्बीनेशन इलेक्टिव पंजाबी ते हिस्ट्री है, तुसी एक तां सिमर विरक जी तुसी दस्से नहीं है कि सारे सब्जेक्ट तुहाडे किहड़े ने, तुसी जे उही तुहाडा है 4349 4349 यही है, तुसी ये दस्या है कि मेरे को हिस्ट्री है ना, दूसरा तुहाडे को पंजाबी है ना, इस तरह तीसरा भी होएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा थोड़ी यूनिवर्सिटी की है, PUP है, PUC चंडीगढ़ है, GNDU है, जेकर ये यूनिवर्सिटियां हैं तो इसका तुम SST मिल जाएगा, बाद एडिशनल पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, और नाल पंजाबी ही लेना है, हिस्ट्री पंजाबी या SST पंजाबी यही थोड़ा बनता है, गुरु नानक विच हो तो थोड़ा हिस्ट्री पंजाबी ही बनेगा क्योंकि तीसरा सब्जेक्ट तुसी मैनू नहीं दस्या, इसलिए मैं पूरी गाइडेंस इतने कंप्लीट नहीं कर सकता। हुण नाराज तो नहीं, इन्ना रोना नहीं है, नहीं नोना इन्ना नहीं नोना, ना ना जिंदगी हसना है, जिंदगी नू इस तरह दिलकश बनाना चाहिदा, मुश्किल आवन तो फिर भी मुस्कुराना चाहिदा। ओ आ गया तुहाडा फिर, सर तुसी मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करना तो ना सही, आए हाय सॉरी, इतना नहीं दुखी नहीं होना, मैं मिस कर गया, मैं दूसरियां वीडियो कट रहा सी, सर पंजाबी ते कोई बनाई वीडियो के अपनी मदर टंग, तुसी की चाहते हो, पंजाबी कॉम्बीनेशन की गल करते हो या पंजाबी दे जॉब स्कोप की गल कर रहे हो, जां तुसी चलो मैं कर लेना इस तरह एक वीडियो बना देना जिस विच पिछलियां जॉब्स गवर्नमेंट जॉब निकलियां हन, ओके, और एलिजिबिलिटी का बना दिना हाँ, स्कोप है PGT TGT इस पर बना दिना हाँ, ये कर दें, ओके। नेक्स्ट है, सर तुसी मेरा रिप्लाई नहीं करते, मैं किन्ने दिनों तो पूछ रही हाँ, कौन है, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन है कि रूरल एरिया दे मार्क्स कदों अपलोड करने ने, सर ये भी दस दो, तुसी कोई मार्क्स अपलोड नहीं करने, तुसी रूरल एरिया जे फिल कीता है और फिल कीते दा यूनिवर्सिटी ने कंसिडर कर लेना है कि तुसी रूरल एरिया दे है, उस दे 1% मार्क्स तुहानू मिल जाने हन,
और कॉलेज जाके जिहड़े कॉलेज तुसीं पहुंचना है उत्थे जाके तुसीं सर्टिफिकेट देना है, वेरीफाई उत्थे जाके होना है, तुसीं कितें भी मार्क्स फिल नहीं करने। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जे तुसीं फॉर्म फिल किया है इस तरह दे देने हैं। सर मेरे PUP तो ग्रेजुएशन च पोलीटिकल हिस्ट्री इकनोमिक्स से जनरल पंजाबी जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बनूगा, लैंगुएज का अडिशनल पेपर देना पड़ेगा। एक मिनट, आपका हिस्ट्री इकनोमिक्स है ये हो गया है ना? नहीं, आपका SST बन गया है, बिल्कुल ठीक है। और जनरल पंजाबी है, जनरल इंग्लिश है, एक सब्जेक्ट कहाँ गया, ये पॉलिटिकल भी है, ठीक है। और मेरा कॉम्बिनेशन की बनता है, मैनू लैंग्वेज, हाँ जी गुड, अडिशनल पेपर तो अनु देना ही पड़ेगा। जे इंग्लिश लेंदे हो देख लेना थोड़ा की कॉन्फिडेंट किच हो, नॉलेज किच, इंटरस्ट कितने है, जां पंजाबी है ना, फिर वह तुसे आ गई है डेट होनी, तुसी नाल ही फिल कर सकते हो। 16 to 10 तो नोटिफिकेशन ओदी हो रही है, होनी मैं वीडियो पाई है, वो देख लेना, तो देना पड़ेगा, यस थोड़ा आंसर यही है, थैंक यू। ये पूछ रहे हैं सर जे किसी कुल इलेक्टिव सब्जेक्ट ना होवे उस वास्ते कॉम्बीनेशन सुजेस्ट कर देंदे तो मेहरबानी होंगी। ऐसा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको जो माइनर मिलेगा, इलेक्टिव नहीं है तो माइनर मिलेगा, माइनर नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली वो लैंग्वेज होता है और वो इंग्लिश और पंजाबी ही होता है। अगर इंग्लिश और पंजाबी है, इसका बाद में आपने ये सोचना है कि आप एडिशनल पेपर किसका दे सकते हो इजीली, ग्रेजुएशन का, बीए का, और सिलेक्शन टेस्ट के लिए किसके लिए कम्पीट कर सकते हो। ओके, तो ये सुजेस्ट ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको अपने डिग्री जो कौन सी है, बीकॉम है, बीबीए है, बीटेक है, बीए है, बीकॉम प्रोफेशनल है, उनमें सब्जेक्ट जहाँ कौन से पढ़े हैं वो आपने नहीं बताए, दैट इज़ वाई मैं ये बता नहीं सकता कि आपको कौन से, लेकिन ये तो पक्का है। तो हो सकता है जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हों उन्हीं में से कंबाइन करके फर्दर बेटर ऑप्शन बनती हो, लेकिन आपके जो है मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है।